तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे सब्जेक्टिव यानी कि रिटन होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीए सेकेंड ईयर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, सब्जेक्टिव आते हैं, आपको लिखना होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम होता है। तो उसमें आपको बहुत सारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय हैं, मैंने अति लघु उत्तरीय वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में लघु उत्तरीय सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप अगर आप ये वीडियो देख लेंगे पूरी तो आप में से जितने भी क्वेश्चन आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निराला मुक्त छंद की विशेषताएँ बताइए, ठीक है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, निराला यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म उनकी लिख दिया गया है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद की विशेषताएं आप लोगों को लिखना होगा रिटर्न में, कम से कम आप लोगों को डेढ़ पेज में तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा मैं आप पहले बता दूँ। अगर आपने सीरीज नहीं खरीदा तो सीरीज खरीद लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आने ही वाले हैं। अदरवाइज आपके पास बुक होगी उसमें से ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन, और सीरीज में भी आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो जो दिनकर जी हैं, ठीक है, उनके काव्यों में राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालना है, यानी कि प्रकाश डालने का। तो क्वेश्चन आप कन्फ्यूज मत होइएगा, समझिएगा, प्रकाश डालिएगा मतलब ये नहीं कि उस पर कोई आपको इलेक्ट्रिक का कोई सूर्य का प्रकाश डालना है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है, कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इनका। तो इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इसी तरह देना है। ये है आंसर इसका, मैंने एक ही का लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का जो पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर है, और दिनकर उनकी उपाधि है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना उद्घोषणा एवं क्रांति के उद्घाता थे, वे राष्ट्रीय संवेदनाओं के ओजस्वी गायक हैं, उनकी वाणी का रस पाकर हिंदी कविता प्राणवान हो गई हैं। उनके काव्य की मूल भावभूमि में उनकी राष्ट्रीय भावना सर्वाधिक प्रखर और चैतन्य है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरह लिखना है, फिलहाल सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सीरीज में मिल जाएगा, और उनके जो भी दोहे हैं, जो भी पंक्ति हैं, उन अगर दी गई हैं आपके सीरीज में तो वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को मालूम हो जाएगा कि हाँ बंदे को अच्छा कॉलेज, अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो पंक्ति से या दोहा से ये आप लोगों को एक एडवांटेज मिल जाती है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत का एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, जहाँ त्याग मधुर पूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस को कामना वहीं भारत को कर प्रणाम, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है, और मैंने थोड़ा इसमें शॉर्ट में लिया है, आप लोग थोड़ा और डीपली लिखिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो उसी तरह आप लोगों को गुप्त जी के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की मानवीय संवेदना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो निराला जी, अभी ऊपर क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड था, पर वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अदरवाइज लास्ट में बता दूंगा पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो जो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पर हैं, आपको उनके बारे में आप लोगों को डीप में लिखना है, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दरवाज़ा लिख लीजिएगा। दिनकर के काव्य में मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है, अस्पष्ट कीजिए। अस्पष्ट का मतलब ये हो जाएगा कि उसके बारे में उनके जो स्वर मुखरित हुए हैं उन पर आपको थोड़ा ऐसे लिखना है, स्पष्ट करके, ठीक है, डिस्क्राइब करके बस, और स्पष्ट और प्रकाश डालिए। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसका क्या होता है ना कि कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, प्रकाश डालें, स्पष्ट कीजिए, तो बस वही डीप में लिखना होता है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करके दो ढाई पेज में लिखना होता बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन जी के काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो त्रिलोचन जी के काव्य के बारे में आपको लिखना है, उनके भाषा पर प्रकाश डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अज्ञेय के उपमान विधान पर प्रकाश डालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार जी की रचना संसार पर प्रकाश डालिए, सब प्रकाश डालिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, देख लीजिए चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमिल के काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय के काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन जी के काव्य में प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चित्रण के उसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूही की कली कविता की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरणगुप्त के काव्य में भगवत वैविध्य पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत की काव्य यात्रा पर प्रकाश डालिए, तो आप लोगों को पंत जी के काव्य पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोचन शास्त्री का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, तो त्रिलोचन जी का आप लोगों को संक्षिप्त परिचय देना है, यानी कि उनके बारे में लिखना है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का माताजी का क्या नाम था, और जो भी उनके काव्य हैं रचनाएं हैं वो आप लोगों को संक्षिप्त में लिख देना है। ठीक है, 7-8 लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमिल के काव्य के जनवाद की विशेषताएँ, तो धूमिल के काव्य के जो जनवाद विशेषताएँ हैं, विशेषताएँ आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, ऐसे ऐसे विशेषताएं जो भी हैं उनको आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, तो परशुराम की प्रतीक्षा कविता का केंद्रीय भाव आप लोगों को लिखना है, केंद्रीय भाव क्या है तो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए, तो केदारनाथ जी के आप लोगों को संक्षिप्त परिचय इनका भी आप लोगों को देना है। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि उनका फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था, और उनका उपनाम क्या था, माता पिता का क्या नाम था उनकी, और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मुख्य कृतियाँ क्या हैं, बस वही आप लोगों को परिचय में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, तो मातृभूमि का आप लोगों को केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है, थोड़ा डीप में लिख देना है, बस वही। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए हिंदी के, तो मैंने फाइनली बता दिया सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप अच्छे से भी पढ़ के जाइएगा, भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग सीरीज में इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आप बस जैसे मैंने बताया डीप में थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि अतिलघुत्तरीय प्रश्न तो है नहीं कि 2-3 लाइन में लिख देंगे, कम से कम आपको 1-1.5 पेज में तो 2 पेज में तो लिखना ही है। ठीक है, आंसर तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। पहले से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर मिल जाएगा sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर मैं PDF भी कोशिश करूँगा डाल दूंगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैंने एक नया चैनल भी ओपन किया है, अभी तक उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक भी उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।